हेलो फ्रेंड्स, आंतोस्ते हैं दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है ये करंट अफेयर, ये जो है रीजनिंग का लेक्चर है, और इसके बारे में जो है हम आज सिलोगिज्म के बारे में जानेंगे, और सिलोगिज्म का जो है कितने प्रकार के एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन सभी की डिटेल में जो है यहाँ पे बात करेंगे। तो जितने टाइप के भी सिलोगिज्म से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे टाइप के यहाँ पे जो है हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो सिलोगिज्म के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि सिलोगिज्म है क्या। जो है एक प्रकार से न्याय संगतता इसको बोलते हैं, हिंदी में इसका जो है एक प्रकार से न्याय संगतता इसको बोलते हैं, और इसको किस प्रकार से जो है हम दिखाते हैं। तो ये जो है न्याय संगतता इसको क्या करते हैं, बोलते हैं, इसको न्याय संगतता हम कहते हैं, और इंग्लिश में इसको जो है सिलोगिज्म बोलते हैं। सिलोगिज्म इसको जो है इंग्लिश में बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है हम इसके टाइप्स के बारे में बात कर रहे हैं। पहले टाइप की हम बात करेंगे, उसके बाद दो दो टाइप के जो है सिलोगिज्म के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। किस प्रकार से सिलोगिज्म के एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनकी यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। तो सिलोगिज्म जो है वो सबसे पहले जो है दो प्रकार के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सस्पेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं, और एक नंबर के कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सस्पेक्टेड होंगे, मतलब जो आपको संदेह होगा कि ये भी हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन दे देगा, ऑप्शन बदल के आपको दे रख देगा, तो वैसे क्वेश्चन सॉल्व करना होगा आपको। और यहाँ पे जो पहले टाइप का जो क्वेश्चन है उसके लिए आपको हर प्रश्न के नीचे ये पांच या चार ऑप्शन दे देंगे, आपको कहेंगे केवल एक सत्य है कथन, पहले हो सकता है दो कथन दे, हो सकता है तीन कथन दे, हो सकता है दो निष्कर्ष दे, हो सकता है तीन निष्कर्ष दे। अभी जब हम क्वेश्चन बताएंगे आपके समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इसमें नीचे दिए गए प्रश्नों में दो तीन चार कथन दे सकते हैं, दो तीन दो या तीन निष्कर्ष उसके दे सकते हैं, चार भी दे देते हैं लेकिन जनरली दो तीन देते हैं, चार भी दे सकते हैं लेकिन तीन देते हैं जनरली। तो दो कथन देकर निष्कर्ष जो है एक या दो दिए गए जाएंगे आपको, एक दो या तीन भी हो सकते हैं, और आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, आपको दिए गए कथन जो होंगे उनको सत्य मानना है, चाहे वो भले ही सर्वज्ञात गलत हो। कहने का मतलब यह है कि आपसे कह देगा कि, कहने का मतलब है आसमान जो है वो घास है, ऐसे कुछ कह दे क्वेश्चन, आसमान तो घास हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकता, लेकिन आपसे क्वेश्चन कह रहा है तो आपको सर्वज्ञात उसको मानना पड़ेगा कि आसमान घास है, ऐसा मानना पड़ेगा। इस तरह के कुछ भी बना के वो रख सकता है, इसका कोई भी मतलब वो नहीं है कि वो नहीं रख सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने रहेंगे। तो सबसे पहले कह रहे हैं यहाँ पे केवल आपका जो एक निष्कर्ष सत्य है, तो उसके लिए आपको एक ऑप्शन लगाना है ए। ये हम बार बार आपको नहीं बताने वाले हैं, ये पांच जो ऑप्शन है ये बार बार आपको नहीं बताने वाले, हर क्वेश्चन के और क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके बाद कथन दिए रहेंगे, कथन के नीचे निष्कर्ष दिया रहेगा, निष्कर्ष के नीचे ये ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, जैसे ए बी सी डी होता है ना, वैसे यहाँ पे पांच ऑप्शन आपको दे देंगे। तो पहले जो ऑप्शन होगा उसमें कहेगा केवल निष्कर्ष एक सत्य है, दूसरा कहेगा केवल निष्कर्ष दो सत्य है, तीसरा कह सकता है या तो पहला सत्य है या तो दूसरा सत्य है, मतलब दोनों में से कोई एक हो सकता है, सत्य हो सकता है, ये कंफर्म नहीं है कि है लेकिन हो सकता है, ऐसा कुछ दे दे, और ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है, तब ऑप्शन नंबर आपका जो रहेगा वो डी रहेगा, और जब दोनों कथन सत्य होंगे तो ऑप्शन नंबर ई रहेगा। ये बार बार नहीं बताने वाले, एक बार दिमाग में बिठा लीजिए, इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप, यही जो क्वेश्चन बार बार मतलब एक प्रकार से चलेंगे। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन जो कह रहे हैं उन क्वेश्चनों की यहाँ पे हम बात करेंगे। तो जैसे सबसे पहले ये कथन दिया है, उसके बाद निष्कर्ष दिया है, उसके बाद निष्कर्ष के नीचे जो है ये ऑप्शन दिए होंगे आपको, ये वाले जो ऊपर के हैं ये ऑप्शन दिए होंगे, ये वाले उस कथन के निष्कर्ष के नीचे ऑप्शन दिए होंगे, आपको बताना रहेगा किसमें से कौन सा सत्य है। जैसे हम बता रहे हैं, अब क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन के बारे में हम जिक्र करते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सभी जानवर पक्षी हैं, तो ऐसा हम मान लेते हैं कि सभी जानवर जो हैं पक्षी हैं, तो भाई सभी जानवर को हम पक्षी बना लेते हैं, जानवर को थोड़ा जे से डिनोट कर लेते हैं,
और सभी जानवर जो हैं पक्षी हैं, इनको ऐसे कर लीजिए, ये पक्षी है, पक्षी को पी से कर लीजिए। उसके बाद कह रहे हैं सभी पक्षी कौवा हैं, जितने पक्षी हैं वो क्या है, कौवा हैं। को के से डिनोट कर लीजिए, इतने पक्षी हैं वो कौवा हैं, ये के से डिनोट कर लेते हैं, मतलब ये इसी के अंतर्गत आए। ऐसे फिगर बना सकते हैं या तो ऐसे भी फिगर बना सकते हैं, सभी जानवर पक्षी हैं ऐसे बना सकते हैं, जितने जानवर हैं वो पक्षी हैं। और उसके बाद कह रहे हैं सभी पक्षी कौवा हैं, तो सभी पक्षी कौवा हैं, ये वाला फिगर हमको थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। इससे जो है क्वेश्चन थोड़ा बहुत मतलब सॉल्व होने का चांसेस रहता है, लेकिन हमको उतना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम इसको नहीं मानते हैं। हम वही अपना फिगर मानते हैं। कौन सा फिगर है? ये जो हमारा फिगर है, यही फिगर हम लेके चलते हैं। इस फिगर में जो है एक प्रकार से गलतियां थोड़ा कम होने के चांसेस रहते हैं, बोला कि उसमें भी गलतियां रहने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन इसमें जो है आप लगा सकते हैं, वो भी फिगर बना सकते हैं, क्योंकि कोई बाउंडेशन नहीं है। ये जो है मान ले जाए ये सब जानवर जितने हैं वो पक्षी हैं, और जितने पक्षी हैं वो सब कौवा हैं, तो जितने जानवर होंगे वो कौवा अवश्य होंगे, ये ऑप्शन में आ जाए तो सत्य होगा। लेकिन सारे कौवा जो है जानवर नहीं होंगे, और सारे कौवा पक्षी नहीं होंगे, और सारे पक्षी जो है वो जानवर नहीं हो सकते हैं, ये चीज सत्य है। यहाँ पे कह रहे हैं निष्कर्ष में सभी जानवर कौवा है, देखो सभी जानवर जो है वो कौवा है, हमने अभी बताया जानवर तो इतने हैं, कौवा पूरे पूरे हैं, यहाँ से यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक, तो जितने कौवा हैं वो तो मतलब जानवर नहीं है, लेकिन जितने जानवर हैं वो सब कौवा हैं, तो ये पहला वाला सत्य हो जाता है। इसी प्रकार से दूसरा वाला जो क्वेश्चन होता है, सभी कौवा जो हैं वो पक्षी हैं, ये कह रहे हैं सभी कौवा क्या हैं, पक्षी हैं। देखो यहाँ पे जो कौवा दिए गए हैं ये इतने कौवा हैं जो पक्षी नहीं है, ये कह रहे हैं सभी कौवा पक्षी हैं, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे पहला निष्कर्ष सत्य हो जाता है, दूसरा गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा जो सही होके होएगा वो कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर एक, केवल कथन एक सत्य है, इसलिए कथन एक सत्य था तो हमने एक ऑप्शन लगाएंगे। एक ऑप्शन लगाने का मतलब पहला सत्य होगा, पहले का मतलब ए नंबर का ऑप्शन सही होगा, ए नंबर का ऑप्शन जो है सही है। अगला इसी प्रकार से क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं कुछ ट्रिक मैजिक हैं, कुछ के लिए कथन में ध्यान रखिए, कथन में कभी कभी हो सकता है कुछ दे दें, कभी कभी हो सकता है कह दें कुछ दे दें, तो कुछ के लिए जब संभावना होती है, जब ध्यान रखना, जब संभावना होती है तो कुछ के लिए दो फिगर बनाएंगे, जब संभावना नहीं होगी तो एक फिगर बनाएंगे। याद रखना कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका, ये मेरे दावा के साथ कह सकता हूँ। यहाँ पे जब संभावना दी हो कथन निष्कर्ष में अगर जो संभावना दे रखी है तो कुछ के लिए दो फिगर बनाना, निष्कर्ष में संभावना नहीं है तो कुछ के लिए एक फिगर बनाना। कुछ का मतलब बच्चे गलत कर जाते हैं, कुछ का मतलब होता है कुछ या सभी, और जो ये समझ गया कुछ या सभी में अंतर वो सारे क्वेश्चन कर लेता है, जो ये नहीं समझ पाया कुछ और सभी में अंतर वो सारे क्वेश्चन गलत कर देगा, ये 100% मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो कुछ और सभी में आप अंतर याद रखिए, कुछ सभी का मतलब जो है क्या होता है वो जो है याद रखिए, इससे क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला। तो अब चलते हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि कुछ मैजिक ट्रिक हैं, इनको जो है कुछ ऐसा कर लेते हैं। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन चल रहा है, जगह यहाँ पे है तो यहाँ पे इसको हम बना के सॉल्व करते हैं। कुछ मैजिक जो है वो क्या है, ट्रिक है। देखिए भाई हमने कुछ मैजिक ले लिया, एम से डिनोट कर लिया, वो उनको ट्रिक बना दिया। कुछ इतनी मैजिक जो है, बहुत छोटी सी मैजिक है, वो ट्रिक है। या इसका ऑप्शन ले लेते हैं कि सभी मैजिक जो है वो ट्रिक है, मैजिक ट्रिक दोनों बराबर हैं ऐसा मान लीजिए। या तो हो सकता है कुछ मैजिक ट्रिक हो, या तो हो सकता है सभी मैजिक ट्रिक हो। कुछ के लिए सभी भी होता है, कुछ के लिए कुछ भी होता है, लेकिन जब संभावना दी हो तब सभी होता है, ऐसे सभी नहीं मानेंगे। ठीक है, संभावना दी हो तब सभी मानेंगे, क्वेश्चन हमारा 100% सही होगा। अब यहाँ पे संभावना दी थी ना दोनों में, किसी एक में भी दी होगी तब भी फिगर आप डबल ही बनाइएगा, एक डबल ही बनाइएगा, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो ये कह रहे हैं कि सभी जो हैं
कुछ मैजिक ट्रिक हैं और सभी मैजिक सही हैं। जितनी मैजिक हैं वो क्या हैं? सही हैं। जितनी मैजिक हैं वो सही हैं। हो सकता है सारी मैजिक ट्रिक सही सब बराबर हों, तो जो हमने जितनी मैजिक ले लिया है वो सही है। अब मैजिक में कुछ ट्रिक जो सही हैं उसमें कुछ ट्रिक भी आ गई हैं। जो सही हैं उसमें क्या है, कुछ ट्रिक भी आ गई हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि कुछ मैजिक जो हैं वो ट्रिक भी हैं और कुछ मैजिक जो हैं वो सही भी हैं, और कुछ मैजिक एक प्रकार से कुछ सही जो हैं वो ट्रिक भी हैं। कुछ सही क्या है, देखिए सही में इतना ही कुछ आ रहा है, तो कुछ सही ट्रिक भी हैं और कुछ सही मैजिक भी हैं, ये याद रखना। और सारी मैजिक जो है वो सही है, ये एक आपसे कथन में जो है मतलब कह दिया है इन्होंने। अब हम इसकी संभावना वाला फिगर पे अपना जो है ऑप्शन लेते हैं, तो कह रहे हैं सभी ट्रिक का सही होना एक संभावना है। सभी ट्रिक का एक सही होना संभावना, पहला फिगर से गलत हो जाता है, दूसरा फिगर से सही है, ऑप्शन हमारा सही है। किसी एक फिगर से संभावना में किसी एक फिगर से सही है तो सही है, याद रखना, किसी एक फिगर से सही है तो सही है। दूसरा कह रहे हैं कि सभी ट्रिक का मैजिक होना संभावना है, सभी ट्रिक का एक मैजिक होना संभावना है, ये दूसरे फिगर से सत्य है तो सही है। संभावना में किसी एक फिगर से ट्रू है तो सही है, और जो संभावना ना दियो तो हम एक फिगर बनाएंगे, हमारा क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, ये मेरा वादा है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही हो जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो ई वाला सही होगा। दोनों कथन सत्य हैं। कौन से सत्य हैं? ऑप्शन नंबर ई सत्य होगा। कहने का मतलब दोनों कथन जो हैं सत्य हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सभी ईमेल संदेश हैं, जितने ईमेल हैं वो क्या हैं? वो कह रहे हैं संदेश हैं, तो हम मान लेते हैं कि सभी ईमेल संदेश हैं, सब ईमेल को हम संदेश बना लेते हैं। जितने ईमेल हैं उनको हम क्या कर लेते हैं, संदेश कर लेते हैं। एक मिनट, जितने ईमेल दे रखे हैं उनको हम संदेश बना लेते हैं, ईमेल जो है वो संदेश हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन में संभावना वाला दिख रहा है, संभावना वाला नहीं दिख रहा है, संभावना वाला तो दिख ही नहीं रहा है। कम से कम दे रहे हैं, तो कम से कम का मतलब है कम से कम एक हो सकता है, बस इतना याद रखना, एक तो हो ही सकता है बाकी कुछ नहीं। तो सभी मैजिक जो है एक प्रकार से सभी ईमेल क्या है, संदेश हैं, ऐसा हम मान रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं कुछ संदेश पत्र हैं, कुछ संदेश हैं पत्र, कुछ संदेश पत्र हैं, सारे नहीं हैं। तो कुछ संदेश क्या है, पत्र हैं। कुछ संदेश को हमने पत्र लिख लिया, सारे संदेश पत्र नहीं है, याद रखना। तो कुछ हमने लिया संदेश पत्र हैं, तो हमने ये लिख लिया। अब इससे देखिए कम से कम कुछ पत्र ईमेल हैं, देखिए कम से कम कुछ पत्र हैं जो ईमेल हैं, इसमें ईमेल और पत्र का कोई रिलेशन ही नहीं दिख रहा है फिगर से, तो ये वाला गलत हो जाता है, पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। दूसरा कह रहे हैं कुछ संदेश ईमेल नहीं है, कुछ जो संदेश हैं वो ईमेल नहीं, देखिए इतने जो संदेश हैं वो ईमेल नहीं है, ईमेल नहीं है, ये भी बात सत्य होती है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। तो यहां से जो ऑप्शन हमारा निकल के आएगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, केवल कथन दूसरा सही है, जो हमने आपको अभी बताया होगा केवल कथन दूसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी होता था। दोनों सही के लिए ऑप्शन नंबर ई होता था, जो दूसरे के लिए सत्य था। अगला देखिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं कुछ धागे जो हैं काटन, कुछ धागा जो है वो काटन है। हम मान लेते हैं कुछ जो धागा है वो काटन है, तो इसके लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं, इसको ऐसे ले लेते हैं, कुछ धागा ले लेते हैं वो काटन है। देखिए इसमें संभावना दिख रही है कहीं पे, निष्कर्ष में कहीं संभावना नहीं दिख रही है, इसलिए हम कुछ ही धागा लेंगे जो क्या है, काटन है। इतने धागा जो है वो काटन है भी हैं, और जितने काटन है मतलब जितने कुछ काटन जो है वो धागे भी हैं, और कुछ धागे काटन भी हैं, ये सब मान सकते हैं। और कुछ काटन नायलान है, कुछ काटन नायलान है, धागा की बात नहीं की गई, संभावना होती तो दो फिगर बनाते। तो कुछ काटन जो है वो नायलान है, कुछ काटन नायलान है, सभी की बात नहीं की है हमने, कुछ काटन नायलान लिख लिया,
और धागा से इनसे कोई रिलेशन नहीं है, है नहीं, हो सकता है, हो सकता है तो संभावना दी नहीं, हम नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पे लिखा है सभी नायलान धागा है, देखिए जितने नायलान हैं वो सारे धागा हैं, इनका कोई कॉप्शन में रिलेशन ही नहीं है, पहला वाला गलत हो जाता है, धागे और नायलान का कोई रिलेशन नहीं है, दिख ही नहीं रहा है, दिख ही नहीं रहा तो हम लगाएंगे भी नहीं। अब कह रहे हैं कुछ कम से कम कुछ नायलान जो है वो धागा है, कम से कम कुछ जो है नायलान धागा है, देखिए कुछ नायलान धागा है, कम से कम कुछ भी नहीं है, इनका कोई रिलेशन ही नहीं है, कम से कम भी नहीं है, तो हमारे दोनों ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाते हैं। जब दोनों गलत होंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा, कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जो कि हमने आपको बताया होगा कि ऑप्शन नंबर दोनों जब कथन सत्य ना हो, ना तो पहला सत्य हो ना तो दूसरा सत्य हो, तो निष्कर्ष तब जो हमारा ऑप्शन होगा वो डी होगा, तो डी ऑप्शन हमारा जो है सत्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कुछ सुई, क्वेश्चन नंबर 5 है, कुछ सुई घड़ी है, मान लेते हैं कुछ सुई जो घड़ी है, कुछ सुई जो है ऐसे डिनोट कर लीजिए, घड़ी को जी से डिनोट कर लीजिए, कुछ है सारी नहीं है, देखिए संभावना दी है, संभावना दी है, इसका मतलब हम दो फिगर बनाएंगे, कुछ सुई जो है घड़ी है, तो कुछ सुई भी हो सकती है, कुछ घड़ी भी हो सकता है, घड़ी सुई दोनों बराबर हो, बीच में यह लगा लीजिए। उसके बाद कह रहे हैं कोई दीवार जो है सुई नहीं है, कोई दीवार जो है वो सुई नहीं है, तो सुई और दीवार का कोई रिलेशन नहीं है, सुई और दीवार का रिलेशन नहीं है, सुई और दीवार का कोई रिलेशन नहीं है, दीवार, एक मिनट, ये हमने दीवार बना लिया, दीवार और सुई का कोई रिलेशन नहीं, तो इसको हमने कट कर दिया, ऐसे पता चलेगा कि हाँ ये जो है इनका इनका कोई रिलेशन नहीं है। अब इसमें देखिए दो फिगर बनेंगे, कुछ दीवार जो है एक प्रकार से कह रहे हैं कुछ सुई जो है दीवार है, दीवार नहीं है, दीवार नहीं है, कुछ सुई जो है वो, मतलब कोई सुई दीवार नहीं है, कोई सुई जो है वो दीवार नहीं है, लेकिन घड़ी मतलब होने की संभावना है, घड़ी होने की संभावना है। अब देखिए सुई दीवार तो नहीं है, लेकिन घड़ी होने की जो है उसकी संभावना है, सॉरी दीवार होने की संभावना, एक मिनट, यहाँ पे डी कर लीजिए, घड़ी के दीवार होने की संभावना है, सुई का इनका इनका कोई रिलेशन नहीं है, सुई का रिलेशन नहीं है, लेकिन घड़ी होने की, घड़ी का दीवार होना संभावना है, 100% ट्रूथ नहीं है। अब यहां से जो है हमारा ऑप्शन में यह भी दिया था, तो तीसरा फिगर भी बन जाएगा, देखिए तीसरा फिगर कैसे बनेगा, तीसरा फिगर ऐसे बनेगा कि हो सकता है इसी से बनेगा, कोई सुई जो है वो, कुछ सुई जो है वो घड़ी है और कुछ सुई क्या है दीवार है, और हो सकता है दीवार घड़ी और सुई में कोई रिलेशन ही ना हो, एक मिनट, ये सुई तो हमने गलत कर दिया, यहाँ पे दीवार नहीं, यहाँ पे घड़ी होगा, ये घड़ी होगा, और दीवार और सुई का, घड़ी का कोई रिलेशन ही ना हो, तीन फिगर यहाँ पे बन रहे हैं, देख लीजिए क्यों तीन फिगर बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे संभावना एक नहीं दी है, इसलिए ये एक ही फिगर में हम ऐसा फिगर बनाएंगे जो कथन के अकॉर्डिंग सत्य है, जो कथन के अकॉर्डिंग सत्य है तभी हमारा सही होगा, तो कथन के अकॉर्डिंग वाला ये फिगर हो गया, और जो कथन के संभावना वाले दो फिगर बन गए, संभावना वाले दो, इस तरह से तीन फिगर हो गए। अब कह रहे हैं सभी दीवारें घड़ी हैं, देखिए सभी दीवारें घड़ी हैं, इससे भी गलत हो जाता है और इससे भी गलत हो जाता है, इससे भी गलत हो जाता है, तीनों से गलत हो जाता है, पहला ऑप्शन जो हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, कि सभी दीवारें घड़ी हैं, बिल्कुल गलत हो गया। अगला देखिए ये क्या कह रहे हैं, अगला कह रहे हैं कि यहाँ पे, एक मिनट, सभी घड़ियों की सुई होना एक संभावना है, सभी घड़ियों का सुई होना एक संभावना है, इससे तो गलत हो गया, इससे भी गलत हो गया, सभी घड़ियां सुई होने की एक संभावना है, इससे गलत हो गया, लेकिन इससे सही हो गया तीसरे फिगर से, तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाता है, सभी घड़ियों की सुई हो जाना एक संभावना है, तीसरे नंबर में मतलब फिगर से सही होता है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन जो है वो बी नंबर का ऑप्शन सही होगा, कौन से नंबर का ऑप्शन सही होगा,
बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं इस तरह से कुछ एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं और कभी गलत नहीं होंगे अगर जो आप हमें फॉलो करेंगे। कभी संभावना दी हो तो जितने फिगर बन सकते हैं बना लीजिए, संभावना अगर जो नहीं दी है तो फिर फिगर वही बनाइए जो कथन कह रहा है, कथन कह रहा है, और निष्कर्ष गलत कर दीजिए। जो कथन कह रहा है वही सही है, निष्कर्ष गलत कर दीजिए, आप क्वेश्चन कभी नहीं गलत होंगे। और अब कुछ और सभी में अंतर याद रखिए, कुछ का मतलब होता है जब संभावना हो, कुछ का मतलब जब संभावना नहीं दी होगी तब कुछ ही रहेगा, और जो संभावना दी होगी तो वो दो फिगर बन सकते हैं, सभी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसा आप करेंगे तो आपके कभी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ये मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ। और वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।